अस्सलाम वालेकुम जी डियर यूपीन व्यूवर्स, आज हम लोग आपको जो है वो लेटेस्ट अपडेट देंगे जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो बहरिया टाउन कराची के हवाले से हेयरिंग थी। जैसे कि आप लोग पहले जानते हैं कि बहरिया टाउन कराची के अंदर जो है वो कुछ दिनों के अंदर, पिछले कुछ दिनों में कुछ फैसले किए गए हैं, नैप की रेट्स की गई हैं, इसके अलावा वहाँ की जो लाइट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं और ट्रांसफ़र का प्रोसेस भी काफ़ी दिनों से जो है वो बंद है, जिसकी वजह से जिन लोगों की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो घर जो ख़रीद के वहाँ पर रह रहे हैं लोग, जो रेजिडेंट्स हैं बहरिया के, वो एक बेयकीनी की सूरत हाल जो है वो पैदा हुई हुई है, जिसकी वजह से एक पैनिक है मार्केट के अंदर। इसके अलावा जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वहाँ पर बाइंग की हुई और करोड़ों रुपये जो है वो वहाँ पर, बल्कि करोड़ों के साथ अब मैं ये कहूँ अगर कि अरबों रुपये की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर लोग कर चुके हैं तो वो गलत नहीं होगा, और वो सारे जो हैं इस वक्त एक आप कह सकते हैं कि पैनिक की सिचुएशन के अंदर हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी या नहीं, किस तरफ मामला जाते हैं किस तरफ नहीं। तो आज जो है वो हेयरिंग जो हुई है उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो कुछ दोबारा से जो है वो रिमार्क्स दिए, और उनका कहना था कि सोसाइटीज़ जो हैं प्राइवेट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग बहरिया टाउन, ये लोग सिर्फ जो है वो ट्रांसफ़र लेटर के ऊपर जो है ट्रांसफ़र्स कर रहे हैं, और वो लेटर सोसाइटी इशू कर रही है उसके अगेंस्ट सीवीटी स्टैम्प ड्यूटीज़ या कुछ इस तरह से जो है वो टैक्स की सूरत में हुकूमत को काफ़ी कम पैसे जा रहे हैं, या कुछ केसेस के अंदर जो नॉन अप्रूव्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर सीवीटी स्टैम्प ड्यूटीज़ जमा ही नहीं होती और ट्रांसफ़र हो जाती है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान है हुकूमत को। और इस सब के जवाब के लिए जो है वो बहरिया टाउन ने कुछ मोहलत मांगी है, और जिसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 2 हफ्ते का टाइम दिया है। अब जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी वो 2 हफ्ते के बाद होगी, और इसी के साथ साथ चीफ जस्टिस साहब के ये भी रिमार्क्स थे कि उन्होंने ऑप्शन दी थी मलिक रियाज साहब को कि वो 1000 अरब अगर दे दें तो वो जो है अपने लिए एक सदका भी कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, अपने लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन बहरिया टाउन या मलिक रियाज साहब ने जो है वो उस चीज़ से एग्री नहीं किया था, और ये समाज जो है अब फिल वक्त जो है 2 हफ्ते के लिए पेंडिंग है। 2 हफ्ते बाद इसकी जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी या जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, और तब तक हम उम्मीद करते हैं कि बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स, एम्प्लॉयज़ और जितने भी लोग जिनका रोज़गार बहरिया टाउन से जो है वो वाबस्ता है कि उनके लिए बेहतर और अच्छा फ़ैसला जो है वो सुनने को मिलेगा, जिसके अंदर सबके लिए जो है वो विन विन सिचुएशन होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।